नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपको रक्षाबंधन का विश करना है तो आप अपना फ़ोटो या जिनको विश कर रहे हो उनका फ़ोटो या उनका नाम लिख करके किस तरह से विश कर सकते हो। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आपको मेरा जो भी वीडियो है आपको उसका मैसेज आता रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा वीडियो है और इसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है, बट आपको अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, कम टाइम में बनाना है, नेट एक्सपेंस नहीं करना है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप आसानी से आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी को रक्षाबंधन का विश करना है तो कर सकते हो। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मोबाइल लेना है, पहले गूगल ओपन करना है, फिर गूगल ओपन करने के बाद, चलिए मैं गूगल ओपन करता हूँ, टाइप करना है आपको रक्षाबंधन फ़ोटो एडिटिंग ऑनलाइन। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ रक्षाबंधन इमेज या फ़ोटो एडिटिंग ऑनलाइन का ऑप्शन जो मैंने अभी जस्ट चेक किया था, ये मैं आपको टाइप करके देखता हूँ। अभी इसमें बहुत सारे जो साइट है खुल जाता है जिसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसका दूसरा भी ऑप्शन होता है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर वहां से आप एडिट कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका मोबाइल का जो स्पेस है वो लेता है कोई भी एप्लीकेशन। तो वो भी ऑप्शन कर सकते हो आप, बट अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, मोबाइल में स्पेस कम है, आपको सिर्फ ये रक्षाबंधन विशेष जो आप किसी को विश करते हो वो करने के बाद आपको मोबाइल में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस इसमें। तो देखिए, ये सबसे पहले वाला ही मैं ओपन कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रक्षाबंधन का जो कार्ड है, विशिंग कार्ड, ये आपको सामने दिखेगा। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल के लिए ये वाला है, और नीचे जाएंगे और अलग अलग तरह के कार्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें से जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा दिखेगा, आप वहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो और आप नीचे देखिए यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे ये वाला आप देखो, ये देखिए, आप यहाँ पे नाम भी लिख के ऐड कर सकते हो। तो फ़ोटो और नाम के साथ आप रक्षाबंधन का विश व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। तो चलिए मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा नीचे ऐसे देखिए, आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनी नेम हेयर। अब यहाँ पे एनी नेम हेयर का ऑप्शन दिया है। चलिए मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आलोक। अब दोस्तों नीचे देखिए, ये जो सिंबल है यहाँ पे इमेज का सिंबल है, यहाँ पे आपको इमेज डालना है, फ़ोटो डालना है। आपको अपना फ़ोटो, अगर फ़ोटो और नाम के साथ विश करना है तो आप अपना फ़ोटो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अब देखिए, ब्राउजिंग में जाएंगे और यहाँ पे मैं गैलरी में जाऊँगा, गैलरी से कोई एक फ़ोटो अपना ले लूँगा मैं। चलिए मैं एक फ़ोटो ले लिया अपना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ये। अब इसको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो राइट साइड में यहाँ पे जो जिधर मैं लाइन कर रहा हूँ, इसको आपको स्लाइड करना है। नीचे लिखा रहेगा क्रॉप का ऑप्शन, अब इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ। ये देखिए, नीचे क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्रॉप का ऑप्शन, इसको मैं क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है जेनरेट ये फ़ोटो। अब इस पर जेनरेट पे क्लिक करने से यहाँ पे इमेज एडिट हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर मेरा फ़ोटो आ चुका है, आप देख रहे हो, ये जो कार्ड है इसके अंदर यहाँ पे मेरा फ़ोटो दिख रहा है। और दूसरा आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलोक भी लिख के आ गया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आलोक लिख करके भी आ गया है, ठीक है।
और मेरा फ़ोटो भी आप देख रहे हो लिख करके आ गया है। और अब नीचे देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड। अब आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। अब मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, फ़ोटो डाउनलोडिंग हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होगा, 2 मिनट लगता है डाउनलोड, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब नीचे लिख के आ गया कि ये हमारा इमेज डाउनलोड हो गया है। इसको मैं अगर ओपन करके देखना है तो यहाँ पे ओपन करके देख लूँगा। चलिए देख लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा नाम और यहाँ पे फ़ोटो एडिट हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो सिम्बॉल है शेयर का, यहाँ पे देख लीजिए शेयर का सिम्बॉल है, इसको मैं क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक कर दिया और चलिए मुझे व्हाट्सअप पे करना है, व्हाट्सअप ओके किया। अब आप देख लीजिए जिस किसी को भी मुझे भेजना है, चलिए मैं ये नंबर पे ही भेज देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेंड कर दिया। अब आप देख लीजिए ये सेंड हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने फ्रेंड रिलेटिव या किसी को भी अगर आपको रक्षाबंधन विश करना है आपका आपका फ़ोटो आपका नाम के साथ तो कर सकते हो। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।